नमस्कार। आज हम एक बेहद गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे और गंभीर के साथ साथ बहुत ही हमारे लिए आवश्यक भी है, और सबसे बड़ी बात कि ये निःशुल्क है। अक्सर हम लोग ऐसी चीज़ें जो हमें फ्री में मिलती हैं हम उसकी कद्र नहीं करते हैं, लेकिन कई बार बहुत सारी चीज़ें जहां हम बहुत सारे पैसे खर्च करके भी उन चीज़ों से कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं, वहां पे बिना पैसे वाली चीज़ों से हम पा जाते हैं। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं ध्यान की, मेडिटेशन की। हमने पिछले भी कई वीडियोज में आपको बताया है कि बीमारियाँ जितनी ज़्यादा शरीर से होती हैं उससे कहीं ज़्यादा मन से होती हैं, और कई बार जब कहीं कोई दवाएं, कोई थेरेपी, कुछ भी जब असर नहीं करती है शरीर पे, तो असर करता है सबसे ज़्यादा ध्यान, मेडिटेशन। तो आज इसी के बारे में जानते हैं। दरअसल हम किसी भी पैथी में किसी भी प्रकार का कोई भी इलाज करा रहे हों, अगर साथ में हम ध्यान को शामिल कर लें तो हमारी किसी भी बीमारी से उभरने में, निपटने में बहुत ज़्यादा इससे मदद मिल जाती है। दरअसल कई लोग सोचते हैं कि क्या सचमुच मेडिटेशन इतना आराम दे सकता है, क्या इससे कुछ हो सकता है। आज इन सारी चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। अक्सर लोग ये बात करते हैं कि क्या सचमुच मेडिटेशन काम करता है, इसको करने का क्या तरीका है, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितनी देर करना चाहिए और इसके क्या लाभ हैं। आज हम इन्हीं सारे विषयों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो समझते हैं कि क्या सचमुच मेडिटेशन असर करता है। इसको आगे चल के हम विस्तार से भी आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से ये हमारे शरीर पर असर डालता है। दरअसल सबसे ज़रूरी और आवश्यक बात यह है कि जब भी हम ध्यान करते हैं, जब भी हम मेडिटेशन करते हैं, तो हमारे सेल्स ऑक्सीडाइड होती हैं, हमारी सेल्स को ऑक्सीजन मिलती है, और जाहिर सी बात है जब उनको ऑक्सीजन मिलेगी तो हमारी किसी भी समस्या से उभरने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। एंजाइम का सेक्रेशन होता है, तो निश्चित रूप से हमारे सारे ऑर्गन्स के लिए अच्छा होता है। आइए आज सबसे पहले जानते हैं कि मेडिटेशन क्या है और कैसे इसको करें। सबसे पहली बात तो ये ध्यान दें कि मेडिटेशन के लिए आपको बहुत कुछ ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है, किसी बहुत ज़्यादा गुरु के पास लगातार लंबे समय पर रहें, ये मत सोचिए कि हम रहेंगे तभी कर पाएंगे। मेडिटेशन को सरल सी बात में, सरल से ढंग से ऐसे समझिए कि अपने साथ होना, अपने लिए जीना, अपने लिए समय निकालना, यही मेडिटेशन, यही ध्यान है। अगर कुछ क्षण आप अपने साथ बिता पाते हैं, अपने साथ एकाग्र हो पाते हैं, तो यही ध्यान है। याद करिए, कभी ऐसा रहा है जब आप पूरी तरीके से एकाग्र हो के आपने अपने लिए समय दिया हो, पूरे मन के साथ, पूरे ध्यान के साथ? शायद आपको ध्यान ना आए। लेकिन याद करिए, कभी आप किसी सफ़र में कहीं जा रहे हो, कोई बहुत प्यारी सी अच्छी सी जगह दिख जाए, पहाड़, नदी, झरना, पेड़ पौधे, प्रकृति, कुछ भी हो सकती है, और आप एक क्षण के लिए वहाँ रुकते हैं, थोड़ी देर, 5 मिनट 10 मिनट वहाँ बैठते हैं, बैठ के उस समय जो आप 10 मिनट जिस सुकून में, जिस ध्यान में, जितनी सांसें लेते हैं, जितनी ताजगी, जितना आनंद पाते हैं, वो शायद आप लंबे समय तक कुछ भी करके कभी भी नहीं पा सकते हैं। और जब आप वहाँ से उठते हैं तो आपके अंदर एक अलग ऊर्जा का संचार होता है, एक अलग ताजगी होती है, आपके सारे दिन भर के थकान, दिन भर की समस्याएँ, उलझने, परेशानियाँ सब दूर होती हैं और आप पूरी तरीके से रिलैक्स होते हैं। तो बस आपको यही करना है कि ध्यान करना है। तो ध्यान करने के 3-4 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनको आप अगर ध्यान दे लें तो आप बड़ी आसानी के साथ मेडिटेशन कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि जब कभी भी आप मेडिटेशन करें तो आपकी अवस्था बड़ी मायने रखती है। कुछ नहीं करना है, केवल आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, मेरुदंड आपका सीधा हो, आप सीधी अवस्था में बैठें कि आपका ये ऊपर का हिस्सा बिल्कुल सीधा होना चाहिए। और अगर सीधे नहीं बैठ पा रहे हैं, वैसे तो हम कहेंगे हमेशा कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा कि सीधे बैठ के ही ध्यान करिए, यदि नहीं कर पा रहे हैं तो आप लेट के भी कर सकते हैं, बिल्कुल सीधा फ्लैट आप लेट जाइए तो भी आपकी मेरुदंड सीधी रहेगी, तो ऐसी अवस्था में भी आप ध्यान कर सकते हैं। अब ध्यान करने के लिए स्थान कैसा होना चाहिए, आप कैसे भी स्थान में कर सकते हैं, लेकिन यदि स्थान प्राकृतिक हो, वातावरण वहाँ का अच्छा हो, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो किसी ऐसे कमरे में जो कमरा पूरे घर में या पूरे कार्यस्थल में आपको सबसे अच्छा लगता हो, जहाँ आपको रहना, समय गुजारना अच्छा लगता हो, ऐसा कोई एक कोना चुन लें और उसी कोने पे प्रतिदिन नियमित रूप से करें, रोज़ स्थान न बदलें, एक कोना निर्धारित कर लें जहाँ पे थोड़ी सुकून, शांति और आपको खुद बैठना, रहना, रुकना अच्छा लगता हो, उस जगह पे ध्यान करें। उसके बाद ध्यान देने की बात है कि आसपास के शोरगुल, ऐसी कोई जगह ना हो जहाँ बहुत सारी कर्कश, ऐसी आवाज़ें आती हों या बहुत डिस्टर्बेंस होता हो, तो उस जगह से बचें। या फिर इसका एक और सरल सा उपाय है कि अगर ऐसी कहीं जगह है आप, तो कोई ऐसा मधुर संगीत जो आपको प्रिय हो ऐसा लगा सकते हैं, नहीं तो आप ओम चैंटिंग लगा सकते हैं,
आप कोई ऐसी सुरुचिपूर्ण ध्वन भी लगा सकते हैं, ओम का उच्चारण भी लगा सकते हैं, इस तरीके की कोई भी जो भी आपको सुकून शांति देती हो लगा सकते हैं। यदि आप किसी धर्म किसी में बहुत ज़्यादा आस्था है तो उससे रिलेटेड कोई चीज़ आप लगा सकते हैं जो आपको रिलैक्स करे। उसके बाद आप धीमे से आंखें बंद करें, बहुत ज़्यादा प्रेशर दे के भी नहीं और खुली आंखों से भी नहीं, जितना कि आसानी से आप अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं, पलकों को झुका लें और ध्यान में रहें। ध्यान में रहने का मतलब आशय ये है कि अपनी सांसों को समझें, आपके अंदर जो जाती हुई सांसें हैं और आपके अंदर जो बाहर जाती हुई सांसें हैं, बस उन्हीं को देखना, उन्हीं के साथ रहना, उन्हीं के साथ समझना, बस यही खेल है ध्यान का। और सबसे बड़ी बात, इस दौरान सांसों को न तो तेज लें न तो धीमा लें, जैसी नियमित आपकी सांस रहती है, जो नेचुरल है बिल्कुल, बस वैसी नेचुरल सांस को आपको रखना है। और कोशिश करिए कि धीरे धीरे जब आप इसमें गहराई में उतरेंगे तो सांस भी आपकी गहरी और काफ़ी लंबी होती चली जाएगी। तो ये इसके कई चरण होते हैं, लेकिन शुरुआती चरण में आपको इन्हीं कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे बड़ी बात ये कि लोग पूछते हैं कि समय कितना दें, तो इसका उत्तर है जितनी आपकी उम्र उतने मिनट ध्यान। यदि आपकी उम्र 20 साल है तो आपको 20 मिनट ध्यान करना है, आपकी उम्र 60 वर्ष है तो आपको 1 घंटे ध्यान करना है। अगर कोई बच्चा 3 साल का है तो अगर उसने 3 मिनट भी ध्यान कर लिया तो समझिए कि उसका ध्यान पूरा हो गया। तो जितनी आपकी उम्र है उतने मिनट आप ध्यान करिए। हालांकि आपके काम की वजह से या ऐसा कुछ हो कि जिसकी वजह से आप इतना भी समय न दे पाएँ, तो जो भी समय आपको मिल पाए, 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, जो भी आप दे सकते हो, उतने समय भी आप बैठ के आसानी के साथ ध्यान करें। तो आप यदि ऐसा करेंगे तो कुछ समय में ही आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और धीरे धीरे आप जो है किसी भी परेशानी किसी भी समस्या से अगर जूझ रहे होंगे तो उससे धीरे धीरे देखेंगे आप निजात पाना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि मैं आयुर्वेदिक वेलनेस सेंटर चलाता हूँ तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास ऐसे लोग आते हैं जो किसी न किसी शारीरिक समस्या से जुड़े होते हैं, हमारे दर्शक भी ज़्यादातर ऐसे होते हैं कि किसी भी समस्या से जूझ रहे होते हैं। तो ऐसे लोग ध्यान में किन बातों का ध्यान रखें, कैसे करें कि उनको किसी भी शारीरिक समस्या से भी निजात मिल पाए, तो उन लोगों को ध्यान ये देना है कि पहले चरण के ध्यान में वो सांसों पर ध्यान दें, उसके बाद जो अंतिम के 4-5 मिनट बचते हैं उस पे अपनी पूरी ऊर्जा को पूरे ध्यान को उस अंग पे लगाएं जिस अंग में उनकी समस्या हो रही है। मान लीजिए किसी को कैंसर की समस्या है, उसको ब्रेस्ट कैंसर है या कहीं पे भी कैंसर हो गया है, यहाँ पे है कहीं पे भी है, तो उस जगह पे आखिरी के 5 मिनट वहाँ पे ध्यान लगाएं और महसूस करें कि वहाँ पे एक पॉजिटिव वाइब आ रही है। तो कुछ समय बाद धीरे धीरे जब हम ध्यान वहाँ पे लगाते हैं तो पूरी सकारात्मक ऊर्जा का संचार वहाँ होने लगता है, ऑक्सीडेशन उस जगह का बढ़ जाता है, रिकवरी धीरे धीरे उस जगह की होने लगती है। ऐसी जिस किसी को कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या है उस जगह पे ध्यान रखें और हमेशा सकारात्मक विचार रखें कि उस चीज़ को हम हील कर रहे हैं, वो चीज़ हमारी ठीक हो रही है। ध्यान के वैसे तो 3 चरण होते हैं। पहला चरण क्या, आप बैठे हैं, आप ध्यान कर रहे हैं, आपके अंदर विचार आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है, सांसों पे ध्यान देना है कि आती हुई सांस जाती हुई सांस, विचार आ रहे हैं तो आने दीजिए, जा रहे हैं तो जाने दीजिए, जो भी कर रहे हैं करने दीजिए। ये पहला चरण है बिगनर्स के लिए, इसको करने जो इस चरण को पार कर जाता है तो दूसरा चरण होता है कि विचार शून्य हो जाते हैं। तो जब भी आप ध्यान में बैठते हैं, चाहे 2 मिनट चाहे 20 मिनट 1 घंटे जो भी बैठते हैं, उस दौरान आप महसूस करते हैं कि आप जैसे ही बैठते हैं आपके विचार शून्य हो जाते हैं, यानी तुरंत आप एकाग्र हो जाते हैं। तो ये ध्यान का दूसरा चरण है, यानी पहली विजय आपने पा ली है, अब आपको बहुत जल्दी बहुत ऊर्जा मिल जाती है। तीसरा चरण इसका क्या है, तीसरे चरण में आप जो चाहते हैं जैसा चाहते हैं उस तरीके के विचार आपके अंदर आते हैं, तो ये आपका तीसरा चरण होता है। तो ये जब आप इस अवस्था को पाते हैं तो समझिए कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा जो है ऊर्जा का संचार हो जाता है। तो आपको और कुछ विशेष नहीं करना है, धीरे धीरे आप ऐसे ही शुरुआत करते जाएं, जैसे जैसे आप इसको करते जाएंगे धीरे धीरे महसूस करते जाएंगे कि चीज़ें आपके अंदर धीरे धीरे आनी शुरू हो जाती हैं और आप उनको सीखना आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो बस ज़रूरत है एक शुरुआत करने की, कि आप कभी भी अपने लिए थोड़ा सा समय निकालना शुरू कर दीजिए। समय अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या समय रखा जाए, तो सुबह या शाम का समय यदि रखें तो बहुत बेहतर है, बाकी आप अपनी सुविधा अनुसार कभी भी किसी भी समय आप इस ध्यान को कर सकते हैं। ध्यान के अनुभवों के बारे में आप मुझे इसकी जानकारी कमेंट बॉक्स में भी दीजिएगा, बाकी किसी के कोई प्रश्न सुझाव सलाह हो तो आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद।